A very good morning, my dear students. Welcome you all in the online class of computer. Today we are going to continue the chapter number 2, that is parts of a computer. In the previous video that I had sent yesterday, we had learned about some devices of a computer like monitor, keyboard, mouse and CPU. Now today we are going to learn about some more devices and we are going to see their work. So students, let's start. Next device is printer and scanner. Let's read it together. A printer transfers the information that you see on a monitor into a paper. Students, what is the work of a printer? It transferred the information from a computer into a paper. Like this book, ये जो book है ये भी एक computer में ही design किया गया है. ये सारे pictures, ये सारे letters computer में ही type किया गया है, but with the help of printer इसको इस paper में print किया गया है. Okay, printer क्या करता है? It help us to take out a printout of the work we want. Okay, the printed paper is known as the printout. जो paper print होके निकलता है printer के अंदर से, that is known as a printout. That means ये भी एक printout है. Like I give you question papers, worksheet in printed form. मैं जब आप लोगों को question paper देती हूँ school में, तो वो एक printout ही होता है, जो कि मैं पहले computer में बनाती हूँ, फिर मैं उसका printout निकाल के आपको देती हूँ. मेरे पास एक question paper है पुराना, दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए, जैसे ये क्लास 4 का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का. ओके, इसको मैंने कंप्यूटर में ही बनाया था, कंप्यूटर में ही सारी चीज़ें डिज़ाइन की थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर आई टुक अ प्रिंट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट इज यू कैन प्रिंट वर्ड्स, पिक्चर्स, कार्ड्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर. वॉट टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन प्रिंट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर? Words, pictures, cards, etc. Some printers can print only black and white color. These printers are called black and white printer. Students, जो printer में सिर्फ दो colors use होते हैं, that is black and white. जैसे कि ये paper जो मैंने print किया था, तो ये black and white printer से print हुआ है. इसमें देखिए सिर्फ two colors use हुए हैं, black and white. These types of printers are known as black and white printers. Other printers can print in color. These printers are called color printers. जैसे कि आपकी बुक है, ये कलर प्रिंटर से प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसमें ब्लू कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है, इसमें सारे कलर्स आपको शो हो रहे हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिंटेड फ्रॉम अ कलर प्रिंटर. नेक्स्ट इज a scanner copies the text and images from paper into computer. Students, a scanner work just opposite of a printer. Printer क्या करता है? जो work computer के अंदर है उसको print करके बाहर एक copy दे देता है, जिसको हम लोग touch कर सकते हैं, feel कर सकते हैं. इस paper को हम लोग touch feel कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो drawing computer के अंदर रहती है उसको तो हम लोग touch नहीं कर सकते. बट स्कैनर क्या करता है? सपोज मैंने कॉपी में कुछ नोट्स लिखे, ऐसे मैंने कॉपी में नोट्स लिखा और मैं चाहती हूँ ये चीज़ कंप्यूटर के अंदर आ जाए, तब तो प्रिंटर वर्क नहीं करेगा. इन दैट केस वी नीड अ स्कैनर. स्कैनर क्या करता है? कोई भी टेक्स्ट और इमेजेस को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकता है. जैसे कि हम लोग अपने बुक की फ़ोटो क्लिक करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फॉर सेंडिंग यू द इमेजेस, तो वो भी एक टाइप का स्कैन ही है. हम लोग तो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन स्कैनर एक मशीन है, जैसे जस्ट लाइक अ फ़ोटो कॉपी मशीन, जिसमें हम अपनी बुक को रख देते हैं और उसमें जो भी लिखा रहता है, जो भी ड्राॅइंग्स बनी होती है, वो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स. Microphone is used for recording different sounds. Students, microphone is a type of mic
विच इज़ अटैच टू अ कंप्यूटर फॉर रिकॉर्डिंग साउंड और एनी म्यूजिक. सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग एंड रिकॉर्ड इट इन अ कंप्यूटर, देन इन दैट केस यू नीड अ माइक्रोफोन. नेक्स्ट इज स्पीकर. वी ऑल नो वॉट इज अ स्पीकर. स्पीकर लेट यू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट ऑन द कंप्यूटर. माइक्रोफोन क्या करता था, हमारी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करता था. बट स्पीकर क्या करता है, जो आवाज़ पहले से, जो साउंड, जो म्यूज़िक कंप्यूटर में पहले से है, उसको सुनने में हेल्प करता है. ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है. एक का काम है हमारा जो साउंड है उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाना, और दूसरे का काम है कंप्यूटर के अंदर जो साउंड है उसको हमको बाहर आके सुनाना. नेक्स्ट इज हेडफोन्स. यू कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक यूजिंग हेडफोन्स. दीज डेज हेडफोन्स कम विद अ अटैच्ड माइक्रोफोन. यस स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो लिसन म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ अ स्पीकर. बट वाई डू वी नीड हेडफोन्स, बिकॉज हेडफोन्स जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही इंसान एक बार में म्यूजिक सुन सकता है. और आजकल जो हेडफोन्स आ रहे हैं और ईयरफोन्स आते हैं उसमें एक माइक्रोफोन अटैच्ड होता है. लाइक दिस आई एम हैविंग अ ईयरफोन हियर. वी यूज़ इट फॉर लिसनिंग म्यूजिक. हम इस ईयरफोन को म्यूजिक के लिए यूज़ करते हैं. बट हियर इज़ अ डिवाइस अटैच टू इट विच हेल्प अस फॉर कॉलिंग, एंड दिस इज़ अ माइक्रोफोन. ये भी एक माइक्रोफोन ही है. अगर हम अपना मोबाइल में साउंड रिकॉर्ड करना चाहें तो हम हेडफोन पहन के इस माइक्रोफोन के थ्रू अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ UPS. UPS. UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. इसको आप लोग पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करिएगा. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. अनइंटरप्टेड मीन्स बिना रुके. इट कीप्स अ कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ. स्टूडेंट्स, UPS इज लाइक अ इन्वर्टर. इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर वर्क्स एज अ पावर बैकअप ना इन योर हाउस. जब लाइट नहीं रहती है तो इन्वर्टर क्या करता है, तब वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ऑन करने में हेल्प करता है, लाइक फैन, फ्रिज एक्सेट्रा. इन द सेम वे UPS ऑल्सो हेल्प अ कंप्यूटर, एंड इट इज़ अ पावर बैकअप फॉर अ कंप्यूटर. जब अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर का जो डेटा है हमने सेव अगर नहीं किया है तो वो डेटा गायब हो सकता है, और कंप्यूटर अगर प्रॉपर शटडाउन ना हो तो कंप्यूटर ख़राब हो सकता है. इसीलिए UPS दिया गया है ताकि 5 to 15 minutes के लिए कंप्यूटर में ये पावर दे सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे सके, और कंप्यूटर उतने देर तक ऑन रह सके. दिस वे इट गिव्स यू टाइम टू फिनिश योर वर्क ऑन अ कंप्यूटर प्रॉपरली, ताकि हम लोग को टाइम मिल जाए अपना वर्क कंप्लीट करने में, और एटलीस्ट उसको अच्छे से सेव करके शट डाउन करने का टाइम मिल जाए और कंप्यूटर ख़राब ना हो. नेक्स्ट इज CD और DVD ड्राइव. अ CD और DVD इज पुट इनसाइड अ CD और DVD ड्राइव. आप लोगों ने CD देखा होगा, सर्कुलर शेप की होती है. लाइक दिस, दिस इज अ CD. अ CD इज अ स्टोरेज डिवाइस इन विच वी कैन सेव सॉन्ग्स, मूवीज, पिक्चर्स एक्सेट्रा. ओके, और CD जिस पार्ट में CPU के लगाया जाता है, जिस ट्रे में लगाया जाता है, दैट इज़ नोन एज अ CD ड्राइव. एक ट्रे CPU के अंदर से बाहर आ जाता है ना, जब हम CD को पुट करते हैं CPU में, दैट पार्ट इज़ नोन एज अ CD ड्राइव. दिस वन. नेक्स्ट इज CD स्टैंड फॉर. CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क. एंड DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. अ CD और DVD इज यूज टू रीड और स्टोर इंफॉर्मेशन. CD और DVD किस लिए यूज़ होता है,
इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और रीड मतलब देखने के लिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ द रीडिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट इन स्पेलिंग्स विच यू नीड टू लर्न एंड राइट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट स्पेलिंग इज अल्फाबेट कीज. स्पेलिंग ऑफ अल्फाबेट इज ए एल पी एच ए बी ई टी. अल्फाबेट कीज के ई वाई एस. फर्स्ट स्पेलिंग इज अल्फाबेट कीज. सेकेंड स्पेलिंग इज प्रिंटर. स्पेलिंग ऑफ प्रिंटर इज पी आर आई एन टी ई आर. नेक्स्ट इज स्कैनर एस सी ए डबल एन ई आर. नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन एम आई सी आर ओ P H O N E माइक्रोफोन. देन नेक्स्ट इज स्पीकर S P E A K E R स्पीकर. आफ्टर दैट नंबर 6 इज अनइंटरप्टेड. अनइंटरप्टेड किस में आता है? यूपीएस में. फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. बट बिफोर दैट यू नीड टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ अनइंटरप्टेड. स्पेलिंग ऑफ अनइंटरप्टेड इज यू एन आई एन टी ई डबल आर यू पी टी ई डी. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पेलिंग बट जस्ट आई टोल्ड यू ना यू नीड टू लर्न इट इन पार्ट्स. आप ऐसे करके इसको पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कर सकते हो. अन देन इन देन ट्रप आफ्टर दैट टेड अन इंटरप्टेड. नेक्स्ट स्पेलिंग इज हेडफोन्स नंबर 7 एच ई A D P H O N E S headphones. And the last is number 8 compact disc. Full form of CD C O M P A C T compact disc D I S C. Okay. So you need to learn all these 8 spellings very nicely. I will send a picture of these spellings. Okay students, take care of yourself and do read the chapter just like I told you in the previous class. And now this time you need to read the chapter by standing in front of a mirror. Aapko mirror ke samne khade hoke chapter ko read karna hai. So students, we will meet next week in the next class. Till then, take care of yourself and bye-bye.